सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। यूनियन का आरोप है कि केंद्र सरकार बैंकों का निजीकरण कर पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की साजिश रच रही है। सरकार के निजीकरण की मंशा के विरोध में बैंक कर्मी 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर जाने को मजबूर है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के संयोजक नरेंद्र शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार बैंकिंग रेगुलेशन को शीतकालीन सत्र में लेकर आई है, जिससे सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम रह जाएगी। इसका साफ मतलब निजीकरण को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश की आर्थिकी को मजबूत करने में सरकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बैंकों का निजीकरण हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ 2 दिन की हड़ताल की जा रही है व आगे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये जो 2 दिन की स्ट्राइक है, ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, 4 ऑफिसर्स और 5 वर्कमैन यूनियंस, 100% जो अम्ब्रेला कवर देती है पूरे ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज़ को ऑल ओवर इंडिया, उनके आह्वान पर हिमाचल में अंडर द बैनर ऑफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन हिमाचल प्रदेश, सभी पदाधिकारी मेरे साथ हैं, हम लोगों के आह्वान पर 100% पूरे हिमाचल में ये 2 दिन की स्ट्राइक होगी। ये सुबह हम 11 बजे डीसी ऑफिस के पास शुरू करेंगे और 2 बजे तक ये स्ट्राइक रहेगी। ये बैंकों के निजीकरण के खिलाफ ये स्ट्राइक है, क्योंकि जिस तरह से सरकार बैंकों का निजीकरण के लिए एक बिल विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में लाई है, हमारा ये मानना है कि इस बिल के आने से बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम हो जाएगी, और जिस भी संस्थान में सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम होती है वो टेक्निकली निजी हाथों में चला जाता है और उसकी मैनेजमेंट निजी हाथों में चली जाती है। और क्योंकि जैसा पब्लिक सेक्टर बैंकों का एक बहुत बड़ा देश के आर्थिकी के बदलाव में आज़ादी के बाद का रहा है, हम आत्मनिर्भर हुए हैं हर क्षेत्र में और दूर दूर के इलाके तक बैंकों की सुविधाएँ आम जन तक हम पहुँचे हैं और आम किसानों तक, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव देश ने देखा है कि हम भुखमरी की स्थिति से आज फूड सरप्लस है, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, रोजगार के पब्लिक सेक्टर बैंकों में बहुत बड़े अवसर हुए हैं और देश के प्रायोरिटी सेक्टर के लिए देश के कोने कोने में हम सेवाएँ दे रहे हैं। और इस सरकार की भी जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उसको, चाहे वो मुद्रा लोन के तहत हो और इसके डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के समय में हमने पूरी मेहनत से बैंक के साथियों ने काम किया और जितने भी सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं वो हम चला रहे हैं, लेकिन अगर ये निजी हाथों में जाएंगे तो हम उसका घोर विरोध करेंगे, क्योंकि ये सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों के कर्मचारी और अधिकारियों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।